एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, मतलब आपको क्या लगता है, जैसे आपने सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है क्या क्या एडवांटेज हैं यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आप पे पैसा खर्चती है सबसे बढ़िया, तो मतलब अगर आप पे पैसा खर्च रही है आपसे खुश, आपको खुश रखेगी वो। ये सर्विसेज कंपनीज में कई बार मिसिंग है, बट सर्विसेज कंपनी का फ़ायदा होता है, अगर आपने सपोज आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो सर्विसेज कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको नहीं मिलेगी। तो और ये तो गौरव खुद बता सकते हैं गौरव खुद पहले इंफोसिस में काम किया है, अब अच्छी कंपनी में काम, अब प्रोडक्ट बेस्ड में कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस पता चलता है कि आप सर्विसेज में कर रहे हैं आप पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, या प्रोडक्ट में कर रहे हैं आप लग रहा है या नहीं लग रहा। बाकी आजकल सर्विसेज कंपनीज भी बहुत करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और मैं ये नहीं करता कि सर्विसेज कंपनीज नहीं करती, बट मैंने जब सेकंड स्विच मारने के सोचा था तो मैंने यही सोचा था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाऊंगा, सर्विस कंपनी में अब नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, जब एक बार मन बन जाता है ना कि यार इससे अच्छा तो कहीं और मिलेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, इसी लाइन में जाते हैं। जो मुझे अतंगी लगती है कि आप पैकेज इंक्रीज करवा के किसी छोटी कंपनी से फिर पुरानी अच्छी कंपनी में चल जाओ, मुझे हाइक दे दो, क्योंकि लोग करते हैं। ठीक है, मैं प्रमोट नहीं करता इसको, बिकॉज एचआर का भी उसमें काफी प्रॉब्लम आती है उनकी साइड से। और साथ मेरा एक क्वेश्चन है, उस टाइम पे आप क्या होने वाला है भाई, आफ्टर 10 ईयर छोड़ो, मैं कहूँगा 2 साल में भी आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब जैसे हम एआई का सुनते हैं आजकल, जेन एआई बन रही है, उसकी वजह से जॉब्स खतरे में है, जॉब्स तब खतरे में होगी अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे अपने आप को, बिकॉज इसमें भी रिएक्ट में भी एडवांसमेंट आई जा रही है। अब जिन्होंने रिएक्ट बनाई है वो ऐसे तो नहीं है कि हम 2 साल में ख़त्म कर देंगे अपना काम, ठीक है, वो भी एडवांसमेंट ला रहे हैं। अब आप वो एडवांसमेंट सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, अगर आप सीखना नहीं चाह रहे तो आपका काम वहीं पे पैकअप हो जाएगा। तो जैसे अभी मैं खुद बताऊँ, मैं पाइथन में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं साथ में कुबरनेटिस सीखने की सोच रहा हूँ, तो पाइथन में मैं जेएनए की तरफ जा सोच रहा हूँ, तो मेरे को वो हेल्प करेगा रिएक्ट के साथ। 10 ईयर्स में मैं 10 ईयर्स तो बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया आई थिंक, सो जैसे एडवांसमेंट्स हो रही है अभी 2-3 ईयर्स तो अच्छा फ्यूचर है रिएक्ट का, उसके बाद मे बी कुछ बेटर आ जाए, जैसे नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट में काफ़ी फीचर्स हैं बट इंटरनली वो रिएक्ट यूज़ करते हैं तो चल जाता है। और आई थिंक सो रिएक्ट का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि वो आप अगर रिएक्ट नेटिव सीख लें जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिएक्ट है, तो आप मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हो, बी इट एंड्रॉयड बी इट iOS। तो रिएक्ट का अभी 2-3 साल तो फ्यूचर है, उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब डेटा होता है जो एनालिसिस करना पड़ता है और बहुत लेवल पे टेस्टिंग होती है उसकी, तो मतलब बहुत रिफाइन प्रोडक्ट चलता है आपका, उसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए लर्निंग मिलती है, आपको कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। रिएक्ट डेवलपर का देखो, रिएक्ट डेवलपर इस वक्त मार्केट में बहुत सारे, उसका मैं फैक्ट डिनाई नहीं करता, बट अगर आप में कुछ डिफरेंस है तो आप अच्छा पैकेज लेके जा सकते हो, अच्छा बाय द सेंस आप 50+ भी क्रॉस कर सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है, बट अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे कुछ खास तो मे बी 10 भी बहुत है। तो इसकी बहुत वाइड रेंज है, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी तरह आते हो, आपको कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, रिएक्ट से हटके वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स आपके कितने क्लियर हैं।